वेलकम टू डॉलीवुड। हमें पहले डॉली चाय वाला जीव निकाल जी, जीव निकाल जी। हाय गाइस, आज हमारी हुई लंच ब्रेक और आज हम लंच ब्रेक में लंच ना खाते हुए जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो हम आपको बैंगलोर के पानी पूरी दिखाते हैं कैसे बनती है, कैसे खाते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, जब तक लिफ्ट आती है। इस ज़्यादा ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक में कैसे रोड क्रॉस करेंगे हम, यही सवाल है जो बंदा हर बैंगलोर में रहता है। तो लोगों को जान जगह मिल रही है, वहाँ से खिसक रहे हैं ये। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं पानीपुरी के स्टॉल पर। यहाँ की पानीपुरी नॉर्थ की पानीपुरी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखते हैं कैसे बनाते हैं, और थोड़े गरम गरम भी डालते हैं इसमें चने वगैरह। ये देखो धुआं निकल रहा है इसमें से, ये गरम पानी डालते हैं इसमें और साथ में चने भी गरम ठंडा डालना। भैया उसको लगा कि मैं उनको बोल रहा हूँ, ये भैया ठंडा डालना। मेकिंग आते अपनी जो मेटल डाल के बाहर है अच्छी बनती है वहाँ पे। मेरे को यहाँ से खिला रही है तू मादई पूरी थोड़ी बनती है। गप्पे खाने हैं उसके, गप्पे के साथ ही गाइस हमारा नारियल पानी भी है। इतने नारियल आपने नहीं देखे होंगे। मौसम देख रहे हो, वेदर देख रहे हो, मैं मुंबई वाला सैंडविच या हमारी पानी पूरी तैयार। हमारी पानी पूरी तैयार है गाइस, डीलक्स पानी पूरी। कितने की प्लेट है ये, 50 की, 35 की प्लेट है। हाफ है ना ये, अभी अभी और लगाएंगे ना बाद में। अभी ये हाफ प्लेट, अभी आधी और लगेगी। 35 रुपये में 6 पानी पूरी, ठीक है। स्ट्रगल पानी पूरी खाते वक्त जो आप फेस करते हैं, खाले खाले भाई डाल पूरा मुंह में सीधे हाथ से। हाँ शाबाश, ये गया। चलो भाई भाई, वी आर डन विद द पानी पूरी, नाउ वी आर हैविंग गोलगप्पा। सेम थिंग, नहीं इसमें दही था, इसमें दही नहीं है। पानी पूरी में भी दही नहीं होता तो उसमें दही पूरी थी। वो दही पूरी थी, सॉरी मेरा व्लॉग झूठा निकला पहले वाला। गाइस आज हमारा दोस्त हमारे साथ ऑफिस के आने था, देखते हैं पूरा दिन अकेले घर में उसने रूम में क्या किया है, अकेला लड़का क्या करता है रूम, लेट्स फाइंड आउट। लोग पहुँच गया रूम के बाहर, देखते हैं अभी क्या कर रहा है। क्या कर रहा है सोचा था क्या हो। सो हाय गाइस, आज फ्राइडे और आज जैसे कि आप लोगों को पता है सावन का महीना चल रहा है, तो यूजुअली हमारे मेस में इस टाइम बनता था नॉन वेज और पनीर। तो हमें कोई आइडिया नहीं है, वापस बोलूँगा भाई मैं जितनी बार भी मिलेगी मेरे को, तो आज मेरे को पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है क्या बना होगा, क्योंकि पनीर कल खाया और नॉन वेज तो बनेगा नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट क्या बना कि आज ऊपर हमारी मेस में, देखते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए हम साथ में देखेंगे हसीना दिलरुबा। साथ में हमारा पानी पीने का ख़त्म हो गया, उसके ऊपर बहस चल रही है कि कौन फ़ोन करेगा पानी लाने के लिए, कोई भी कर लो भाई क्या ही फर्क। पानी के लिए फ़ोन किया जा रहा है अभी, तो तब तक हम खाना लेके आते हैं क्योंकि खाने के बाद पानी तो पीना है ना। पनीर है, पनीर कल भी खाया यार गाइस, पनीर मटर पनीर है ना, बस बहुत है। पनीर के अलावा गाइस बनी है दाल, दोपहर को कड़ी बनी थी ये भी खानी हो खा सकते हैं हम। साथ में क्या है, चपातीस गरम, 3 बहुत है यार मेरे लिए। चपाती का साइज देखो ना कितना बड़ा। सो गाइस इसी के साथ हमारा डिनर हो गया डन, और जैसा कि आप देख सकते हैं उम्र भी बढ़ गई यार खाना खाते खाते, तो इससे पहले कि और बड़े मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो हाय गाइस, आज है वीकेंड और आज छुट्टी है हमारी, इसलिए हम जस्ट अभी वॉकअप, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, जो मर्जी कह लो, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लंच ही होगा। तो देखते हैं लंच में आज क्या बना है हमारे पीसी में, लेट्स फाइंड आउट। अच्छे
be sufficient for me. तो ये बना आज लंच गाइस, ये सब हमारे आज लंच में। और जो आंटी है बहुत ही पतले फुलके बनाती है, बहुत ही पतले रुमाली रोटी कह लो आप। हाय गाइस, सुबह हमने धोए थे कपड़े, अभी शाम के बज चुके हैं 6, तो हम जा रहे हैं कपड़े लेने। होपफुली जितने कपड़े सूखने के लिए डाले थे उतने के उतने ही वहाँ होने चाहिए, क्योंकि एक बार कपड़े गायब भी हो चुके हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। पता, जब भी मैं छत पे आता हूँ ये बंदा क्यों यहाँ पे हमेशा होता है। कपड़े तो हमारे पूरे ही हैं क्योंकि बहुत ही कम कपड़े धोए थे मैंने, कि 2 शर्टें 1 पैंट। बिल्कुल सही टाइम पे कपड़े लेने के लिए आ गया मैं, क्योंकि बारिश भी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। और इन कपड़ों को मैं आज प्रेस नहीं करूँगा, मैं शायद कल करूँगा या फिर आगे ही करूँगा जिम से। तब तक के लिए कुछ और करेंगे हम। करंटली डन विद द क्लोथ्स, अभी हम जा रहे हैं जिम। आज कौन सी गेम हुआ? लेग्स मारेंगे आज हम, लेग्स को मारेंगे। हमारा 6 तारीख का दूध का पैकेट पड़े थे, तो अभी तक हमने ट्राई किया, फटे नहीं है। आई डोंट नो हाउ, जबकि 2 दिन की एक्सपायरी होती है इसकी। एक पैकेट हमने उबाल दिया, अब इसका ट्राई करते हैं, देखते हैं ये फटा है कि नहीं दूध फटा। वो मैंने लास्ट में निकाली है पैकेट से, वो डेली बाद में भी बनेंगे जब दूध सूख जाएगा ना। पर वो इवन बनेगा ना। मतलब बहुत बहुत बुरा हुआ, एक पैकेट हमारा फट गया दूध का। अब इसमें चाय वाले की चाय भर गई, इसकी नियत में कोल्ड सोडा भी फट गया। अब इसका बना दे, इसका पनीर निकालेंगे। स्मेल भी आ रही है भाई बड़ी गंदी, वो तो आती है। आज हम खाएंगे पनीर की भुर्जी।